बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगे सलमान खान और रणबीर कपूर, होगी जोरदार भिड़ंत। इस साल के अंत में सलमान खान और रणबीर कपूर की फिल्मों के बीच टकराव हो सकता है। दिसंबर में क्रिसमस के मौके पर जहां एक तरफ रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होगी, तो संकेत मिल रहे हैं कि सलमान खान दबंग 3 को इसी मौके पर रिलीज कर सकते हैं। करण जौहर की कंपनी में बनी ब्रह्मास्त्र पहले 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन तकनीकी कारणों को वजह बताकर इसकी रिलीज को आगे खिसकाया गया और इसे दिसंबर में रिलीज करने की घोषणा की गई। दूसरी ओर सलमान को दबंग 3 की शूटिंग अभी शुरू करनी है। माना जा रहा है कि अप्रैल से जून तक लगातार इस फिल्म की शूटिंग मुंबई, हैदराबाद और दूसरे स्थानों पर की जाएगी और जुलाई तक इसकी शूटिंग को पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक इस फिल्म को लेकर यही संकेत मिल रहे हैं कि इस साल के अंत में ये रिलीज होगी। सलमान खान की पिछली दोनों दबंग फिल्में ईद के मौके पर रिलीज हुई थीं, लेकिन इस बार ईद पर जहां सलमान खान की भारत रिलीज होने जा रही है, तो अगले साल ईद पर संजय लीला भंसाली के साथ उनकी फिल्म ईशा अल्लाह को रिलीज करने की घोषणा की जा चुकी है। ऐसे में सलमान दिसंबर में दबंग 3 लेकर आए तो रणबीर की फिल्म के साथ उनका मुकाबला होगा। रणबीर के करीबी दोस्तों में माने जाने वाले आयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी करण जौहर की कंपनी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में रणबीर के साथ आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और डिंपल कापड़िया महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। रणबीर और सलमान की फिल्मों के टकराव को इस लिहाज से भी अहम माना जाएगा कि दोनों के बीच रिश्तों में तल्खी है। एक जमाने में रणबीर को फिल्मों में लाने में सलमान की अहम भूमिका रही थी। रणबीर की पहली फिल्म सांवरिया में सलमान खान भी थे, लेकिन कहा जाता है कि कैटरीना कैफ के साथ रिश्तों को लेकर सलमान और रणबीर के रिश्तों में इतनी खटास आई कि दोनों के बीच बोलचाल तक बंद हो गई।